नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। कानपुर, बुधवार को गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने रामा देवी से भोती हाईवे में आई दरार को लेकर गुजैनी बाईपास की तरफ गोविंद नगर विधानसभा अंतर्गत पुल से बाईपास नीचे को जोड़ने वाले मार्ग को व्यवस्थित न होने के कारण NHI परियोजना अधिकारी पंकज मिश्रा से बात कर सख्ती नाराजगी व्यक्त की। विधायक ने कहा कि अविलंब उक्त दरार को पूरा करने का काम पूर्ण किया जाए। विधायक ने पूछा कि दोषी कंपनी के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज कर कार्यवाही क्यों सुनिश्चित नहीं की गई। विधायक ने मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ पार्षदगण अनिल वर्मा, विजय गौतम, संतोष साहू और सीटू सिंह आदि भी उपस्थित रहे। NHI के अधिकारियों ने यहाँ आकर के इस रास्ते को रोका और साइड से डाइवर्जन बनाया, लेकिन जहाँ पर डाइवर्जन बना है वहाँ पर लाइट की मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने से रात में एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और इसका काम भी कोरोना के कारण से भले डिले हुआ, लेकिन अब तक तैयार हो जाना चाहिए। मैंने NHI के जो निदेशक है, परियोजना निदेशक, उनसे पंकज मिश्रा जी से बात करी और उनसे कहा है कि अविलंब जो संबंधित कार्यदायी संस्था थी उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये अविलंब जनता को सुरक्षित रूप से निर्माण होकर के समर्पित होना चाहिए, जिससे हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो पुल जिसपे दरार आई है उससे कोई जनहानि ना हो, किसी के जान माल का नुकसान ना हो। खबर समय जगत के लिए कानपुर से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।